हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीएसई न्यूज़। इस वीडियो में आईसीएसई के इंपॉर्टेंट रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। अगर आप सीसेट के स्टूडेंट हैं, आपको एग्ज़ाम देना है नवंबर 2023 में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। अनाउंसमेंट या रिमाइंडर को बताने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लेना, क्योंकि आपको सीसेट के रिगार्डिंग एकमात्र यही चैनल है जो सारी सारी अपडेट देगा। वीडियो को पूरा देखना, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जितने भी आपके डाउट हैं वो सारी क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आपको एग्ज़ाम देना ना CHWT का नवंबर 2023 में, तो रजिस्ट्रेशन कराने की लास्ट डेट आप समझ लो 15 अक्टूबर 2023 है। अच्छा, 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट, और इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 अक्टूबर को ही रजिस्ट्रेशन कराओगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ के देखो, अभी अभी उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, कितने दिन हो गए रजिस्ट्रेशन कराया, फिर भी उनकी बुक्स नहीं आ रही है। तो आप समझो, अगर आप लास्ट डेट को रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपका एग्ज़ाम ही खत्म हो जाएगा, बुक्स ही नहीं आएगी। एक एक महीने, डेढ़ डेढ़ महीने लग जाते हैं बुक्स आने को कभी कभी। तो लास्ट डेट के इंतज़ार मत करो, अगर आपको सी सेट का एग्ज़ाम देना तो अभी रजिस्ट्रेशन करा के नक्की करो, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखो, आपका एग्ज़ाम है 4 नवंबर 2023 को, और रजिस्ट्रेशन कराने के लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2023 को। हमसे कनेक्ट रहना, सारी सीटें के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। अच्छा, बुक्स आने में बहुत दिन लगेगी, तो जब तक आप कहाँ से पढ़ोगे? आपको पता है आईसीएसई ने न्यू सिलेबस लॉन्च कर दिया CHWT के लिए, तो बुक्स कहाँ से देखोगे आप न्यू सिलेबस की? यहाँ पे आईसीएसई की वेबसाइट पर आना, स्टूडेंट वाला सेक्शन, यहाँ पे CHWT, इस पर क्लिक कर दो। अब क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेफरेंस रीडिंग मटेरियल, ठीक है, इसे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे, ये दो बुक्स आ गई, ठीक है। पहले वाली में पेपर नंबर 1, 2, 3 है, और चौथे दूसरे वाले में पेपर नंबर 4 है। यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड नहीं कर पाओ तो टेलीग्राम चैनल पर बुक्स पड़ी है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं क्या क्या आपको ज़रूरी है एक CHWT के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करने के लिए। स्टडी मटेरियल ज़रूरी है, वो मैं डाउनलोड करना सिखा ही दिया हूँ। उसके बाद ई बुलेटिन ज़रूरी है, और फिर मॉक टेस्ट पेपर ज़रूरी है। अब देखते हैं दोनों को कैसे डाउनलोड करने वाले हैं। आप स्टूडेंट सेक्शन पे आना, यहाँ पे आपको देखो CHWT। अब मैं पहले आपको मॉक टेस्ट पेपर डाउनलोड करने बताता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है CHWT मॉक टेस्ट, इसे क्लिक करना। अब जैसे आप क्लिक करोगे, जितने भी मॉक टेस्ट है इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। डाउनलोड करोगे, पहले क्वेश्चन आएंगे पेपर वाइज, फिर आंसर आ देंगे सबके, ठीक है। तो आप करके जरूर देखना। अब लास्ट आता है CHWT के एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ई बुलेटिन। कैसे डाउनलोड करोगे? वही CHWT पे आना, यहाँ पे दिखेगा CHWT ई बुलेटिन। अब जैसे आप क्लिक कर दोगे, ये जितनी भी ई बुलेटिन है, अगर इसको सॉल्व कर दिया, पास, 100% पास, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट मत देखो, रजिस्ट्रेशन आपको अभी कराना है, अभी कराना है, क्योंकि बात की देखोगे तो फंस जाओगे, हो सकता है कि क्लियर नहीं कर पाओ। थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। CHWT के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है कमेंट करना, इस वीडियो के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे उन सबकी बैक टू बैक वीडियो आएगी, रेगुलर, एक साथ नहीं आएगी लेकिन रेगुलर आती रहेगी उन वीडियो, ठीक है। तो पहले जिसका कमेंट आएगा उसकी वीडियो पहले आएगी, बाद में जिसका कमेंट आएगा उसकी वीडियो बाद में आएगी। कमेंट सेपरेट करना, किसी के अंदर कमेंट के अंदर रिप्लाई करोगे तो मेरे पास वो आता ही नहीं है, तो आपका कमेंट मिस हो जाएगा, तो वीडियो कुछ नहीं बन पाएगी। बस तो ध्यान रखना, सेपरेट सेपरेट अपना कमेंट करना, तो वहाँ से वीडियो बनेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको CHWT के रिगार्डिंग सारी अपडेट एकमात्र यही चैनल देता है। आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।